हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ लास्ट वीक आप सबके लिए प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में मंडे जब हमारा मार्केट ओपन होगा आफ्टर दिस वीकेंड, तो हम उसे कैसे लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली अप्रोच करें ये डिस्कस करेंगे। क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल होने चाहिए, कहाँ पर हमारी एंट्री होनी चाहिए, कहाँ पर हमें एग्जिट करना चाहिए, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर हम स्ट्राइक कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो प्रोसेस होती है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट के मूड या सेंटीमेंट मेजर करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या जो सेंटीमेंट है वो हमें ये बता सकता है कि हमारी मार्केट मंडे कहाँ ओपन हो सकती है। वो गैप अप हो सकती है, नो डाउट वो गैप डाउन भी हो सकती है, और वो फ्लैट भी ओपन हो सकती है। बट ओपन होने के बाद 3:30 बजे तक हम खुले रहते हैं, और 3:30 बजे तक अगर हमें प्रॉफिटेबली एंड लॉजिकली सस्टेन करना है तो उसके लिए हमें लेवल्स की नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए हम सेकेंड हाफ में लेवल्स पे जंप करेंगे और लेवल्स को डिटेल में डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को ग्लोबल मार्केट के मूड से। तो अगर हम यूएस की मार्केट देखें तो कल फ्राइडे को हल्के फुल्के नेगेटिव नोट पे बंद हुई है। डाउ अराउंड 100 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुई है, नेस्डेक अराउंड 31 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुई है। तो यूएस की मार्केट हल्के फुल्के नेगेटिव नोट के साथ बंद किया है वीकेंड। यूरोपियन मार्केट देखे तो वो ऑलमोस्ट सारी ही पॉजिटिव बंद हुई है। तो हम कह सकते हैं ठीक है, एक हेल्दी सेंटिमेंट है। पिछले 4-5 हफ्तों से ही आप देख रहे हो मार्केट का, ऐसी कोई वीकनेस भी नहीं है, तो हम कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन मेजर नहीं करने वाले। अब देखते हैं कि हमारा क्या था। तो फ्राइडे का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। शुरुआत में इंडेक्सेस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी थोड़े प्रेशर में थी, फिर साइडवेज हुई और लास्ट 1 घंटे में शानदार रिकवरी के साथ बंद हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपने क्रूशियल लेवल से एक डिसेंट बाउंस बैक करके बंद हुई है। निफ्टी 50 73 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है, और जो बैंक निफ्टी है वो 217 पॉइंट क्लोज हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्राइडे था एक अच्छा वीकली क्लोजिंग दे के गई है मार्केट। अब एक बार ओवरऑल ट्रेंड देखते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। तो थर्सडे को एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी ने अपने 13 EMA के नीचे क्लोज दे दी थी। हम लास्ट वीडियो में यही बात कर रहे थे कि सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर सस्टेन हो जाता है 13 EMA के नीचे तो ये मैटर ऑफ कंसर्न हो जाएगा, क्योंकि जब से निफ्टी ने रैली स्टार्ट की है उसके बाद से 13 EMA को इसने ब्रेक नहीं किया है। हुआ भी वही, फ्राइडे नीचे जरूर थी बट एक शानदार रिकवरी करके एक बहुत अच्छा हैमर कैंडल बना के 13 EMA गेन करके गई है, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ था ये अभी भी स्टिल इंटैक्ट है। ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है वो स्टिल स्ट्रांग है, और हम आने वाले दिनों में अगेन अपमूव देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो सिमिलर चीज़ हुई है बैंक निफ्टी में भी। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप देखोगे तो बैंक निफ्टी अपने 13 EMA पे आई थी और वहाँ से एक शानदार रिकवरी करके गई है और 44,000 के जस्ट नीचे बंद होके गई है। अगेन एक और अटेम्प्ट करके गई है 44,000 को ब्रेक करने का। अगर आप देखोगे लास्ट 4 डेज से अटेम्प्ट हो रहा है 44,000 को ब्रेक करने का, और हायर लोज लगातार बना रही है। मेरा ख्याल है अपकमिंग डेज में हम 44,000 ब्रेक होते हुए देखने वाले हैं, क्योंकि कल की रिकवरी दिखा रही है कि नीचे अच्छी खासी डिमांड है और बैंक निफ्टी 13 EMA को ब्रेक करने के अभी तो मूड में नहीं है। तो ऑब्वियस है, जब नीचे नहीं ब्रेक कर रही तो कहीं तो ब्रेक करेगी, ऑब्वियस है वो ऊपर ही होने वाला है। तो कंसोलिडेशन चल रहा है एक बड़े लेवल को ब्रेक करने से पहले, बट मैक्सिमम चांसेस नज़र आ रहा है कि 44,000 जल्दी जाने वाला है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी तीनों अपने 13 EMA के इंपॉर्टेंट लेवल से एक स्मार्ट रिबाउंड करके फ्राइडे क्लोज देकर गई हैं, जो अगले हफ्ते एक स्ट्रांग नोट पे हम ओपन हो सकते हैं इस बात की इंडिकेशन दे रहा है। तो अगले हफ्ते जस्ट हम 43-44 के जस्ट नीचे बंद होके गए, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले हफ्ते हम 44,000 का ब्रेकआउट देख सकते हैं। अगले हफ्ते मंथली एक्सपायरी भी है तो वो काफ़ी अच्छी और वॉलेटाइल हो सकती है। तो ओवरऑल ट्रेंड जो है स्ट्रांग ही है। अब एक बार निफ्टी में देखते हैं कि फ्राइडे को कहाँ पे एंट्री बनी। तो ये निफ्टी का चार्ट है, अगर आप देखोगे तो फ्राइडे को 19th था, मार्केट हल्के गैप अप के साथ ओपन हुआ था और अगेन 13 EMA पे गिव अप कर दिया था इसने। 13 EMA के ऊपर खुला था बट क्लोजिंग नीचे ही आई थी।
ठीक है, और ऊपर एक जोन भी था जो लास्ट वीडियो में हमने दिया था, 150 से 160 170 के आसपास का जोन, उसी जोन में था। 13 EMA भी आ रहा था और उसके ऊपर खुल के गिव अप करके गया था, नीचे सस्टेन भी कर रहा था, तब हम एक पुट बाय कर सकते थे जस्ट आउट द मनी वाली। टारगेट 18,000 होता, बट 18,000 से पहले 18,050-60 के अराउंड आके अगर हम देखें लो कहाँ तक आया था, 18,061 का आया था। निफ्टी ने बाइंग सिग्नल दिया था, पियर्सिंग पैटर्न बना लिया था, तो यहाँ कहीं पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। यहाँ से अगेन रिकवरी आई और 18,150 से लेकर 175 का जो जोन आपको दिया था उसको ब्रेक करने का निफ्टी ट्राई करती रही। यहाँ पर इसने ब्रेक करा था, इस कैंडल में सस्टेन भी किया था, बाय कर सकते थे बट लास्ट आधा घंटा बचा था, तो ऐसा कोई बाय ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होता इंट्राडे में। यहाँ पर आप एक स्विंग ट्रेड ज़रूर ले सकते थे क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन कर रहा था कि डेली चार्ट में हैमर बन के जा रहा है, 13 EMA के ऊपर भी क्लोज जा रहा है, तो हम मंडे के लिए एक ट्रेड ले सकते थे BTST टाइप कि आज कॉल ले लेते हैं और अगले हफ्ते हमें प्रॉफिट दे जाएगी। तो एक एंट्री बनी थी पुट की स्टार्टिंग में, तब आप एंट्री कर सकते थे, उसके बाद जब ये जोन गेन हुआ तब एक आप एंट्री ले सकते थे, इसके अलावा मार्केट में कोई भी एंट्री नहीं थी क्योंकि फर्स्ट हाफ में काफ़ी बोरिंग मार्केट था। बैंक निफ्टी की बात करें तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी कहाँ पर ओपन हुई थी, 19 था, अगेन ये भी गैप अप के साथ ओपन हुई थी 13 EMA के ऊपर, बट सस्टेन नहीं कर पाई, 44,000 का लेवल था एज अ रेजिस्टेंस, वहाँ तक भी नहीं गई, पहले ही गिर गई। 13 EMA के नीचे क्लोज दी थी, फिर सस्टेन कर रही थी, तब हम पुट बाय कर सकते थे। टारगेट हमारा 43,500 होता, पहला टारगेट होता 700 से 750 का जोन, दूसरा होता 500, तो इस कैंडल में इसने सब कुछ ब्रेक कर दिया था, तब आप एक एंट्री ले सकते थे। उसके बाद बैंक निफ्टी बेस बनाती रही, यहाँ पर इसने 13 EMA गेन किया था, इस कैंडल में इसने 700 से 750 का जोन आ रहा था वो भी गेन कर लिया था, इस कैंडल में सस्टेन भी कर लिया था। ये कैंडल आपकी आइडियल एंट्री होती है बैंक निफ्टी में, विद टारगेट ऑफ 44,000 और आपका टारगेट इस कैंडल में यानी 315 वाली कैंडल के क्लोज होने से पहले अचीव हो गया था। तो बैंक निफ्टी में हमेशा की तरह ज़्यादा बेटर एंट्रीज बनी है क्योंकि ऑब्वियस है बैंक निफ्टी थोड़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहती है। निफ्टी में भी हमारी दो एंट्री बनी थी, बैंक निफ्टी में हमारी थोड़ी दो एंट्री इसमें भी बनी है बट वो ज़्यादा मूव हमें दे पा रही थी। तो ये था फ्राइडे का कि अगर हम फ्राइडे को ट्रेड करने जाते तो कहाँ पर लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग एंट्रीज बनी थी और उनसे कैसे ग्रैब कर सकते थे। अब ऑब्वियस है ट्रेड हमें कब करना है, फ्राइडे तो हो गया मंडे, तो मंडे की लेवल्स की तरफ चलते हैं। एक ज़रूरी चीज़, ये जो लेवल्स अब हम डिस्कस करेंगे, पहली चीज़ ये लेवल स्पॉट के हैं, इंडेक्स के हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। इसमें अगर एंट्री बनती है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। ऑप्शंस में कई बार दिमाग में ये आता है कौन से स्ट्राइक लें, तो आप जस्ट आउट द मनी वाले के साथ आगे बढ़ सकते हो जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर कोई बिगनर ऐसा है जो ये वीडियो देख रहा है उसे डेल्टा की नॉलेज नहीं है, तो हमने ऑलरेडी एक डेल्टा पे सिंप्लीफाइड एंड डिटेल वीडियो बना के डाल रखी है, आप उसे देख सकते हो, लिंक आपको जरूर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सपोर्ट है 18,150 से 178 का जोन, 18,000, रेसिस्टेंस है 18,250 से 18,375 से 400 का जोन। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं 600 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 17,900 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ये लेवल्स आपके स्क्रीन पर रहे, एक बार ज़्यादा बेटर तरीके से आप लोग विजुलाइज कर पाओ इसके लिए क्या करते हैं, चार्ट में देख लेते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो ये हमारे लेवल्स हैं कल के लिए यानी सॉरी मंडे के लिए, और इनको अब इसमें विजुलाइज कर लेते हैं। तो तीन टाइप की ओपनिंग हम विटनेस कर सकते हैं, गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट। जैसे हमारी क्लोजिंग हुई है, जैसे हम 13 EMA को बचा के गए, मैं रिकमेंड करता हूँ कि मैक्सिमम चांस है हमें गैप अप ओपनिंग लेने वाले हैं, ठीक है। तो गैप अप ओपनिंग लेने वाले हैं उसके बाद क्या करें देख लेते हैं। तो एक 18,250 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल आ रहा है नो डाउट, इसके ऊपर बराबर नीचे कहीं भी खुले बट कैंडल की क्लोजिंग ऊपर आ जाए एक 15 मिनट की, और दूसरी भी ऊपर क्लोजिंग दे दें, यानी एक कैंडल ऊपर क्लोजिंग देके दूसरी सस्टेन कर जाए, मतलब कंसिक्यूटिवली दो कैंडल 15 मिनट की ऊपर क्लोजिंग दे दें, इट्स अ कॉल बाय सिग्नल। आप कॉल बाय करेंगे 18,375 से 400 आपका पहला और 18,500 आपका दूसरा टारगेट होगा। कौन सी कॉल बाय करेंगे, जस्ट आउट द मनी, टारगेट मैंने आपको बता दिया। अगर क्लोजिंग नीचे आती है, एक कैंडल सस्टेन करती है, मतलब आप पुट बाय करेंगे, कौन सी, जस्ट आउट द मनी,
टारगेट क्या होगा निफ्टी, यानी इसका मतलब है 13 EMA को डेली चार्ट के दोबारा टेस्ट आउट करने आ सकती है। तो 18150 से 178 का जोन आपका फर्स्ट और 18,000 सेकेंड टारगेट होगा। ये बात हुई कौन सी स्ट्राइक लेनी है, क्या टारगेट्स होंगे। एक चीज़ जो मिसिंग है वो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होगा मैं बता देता हूँ। स्टॉप लॉस कॉल के केस में 18250 हमारा लेवल है, इसके 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। SL पुट के केस में 18250 हमारा लेवल है, इसके 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। ये इंडेक्स के टर्म में है, प्रीमियम के टर्म में नहीं। अगर प्रीमियम के टर्म में बात करें 50 पॉइंट्स का हम गैप ले रहे हैं, डेल्टा 0.4 है, तो 50 × 0.4 20 होता है, ये आपका 20 हो जाएगा, सिंपल है। तो ये था कि अगर निफ्टी गैप अप हो जैसा कि एक्सपेक्टेड है एटलीस्ट फ्रॉम माई साइड तो कैसे डील करें। अब अगले केस में चलते हैं कि निफ्टी फ्लैट भी हो सकती है, फ्लैट के केस में कैसे डील करें। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, निफ्टी की क्लोजिंग जो आई है वो आई है 18203, 18203, तो 18150 से 175 का 178 का जोन नीचे आ रहा है, 250 ऊपर आ रहा है, वो खुलेगी कहीं यहाँ कहीं पे। अब आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि दो जोन के दो लेवल्स के बीच में कहीं ओपन हो रही है। अगर राइज होती है, इसको ब्रेक करती है, एक कैंडल सस्टेन करती है, इट्स अ कॉल बाय साइन, आप कॉल बाय करोगे, 18375 से 400 का जोन आपका टारगेट हो जाएगा। इसको ब्रेक नहीं कर पाती, आप पुट बाय करोगे, टारगेट 150 से 178 का जोन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद नीचे आती है गिर के 18150 से 178 के जोन में, बाइंग सिग्नल देती है, इट्स अ कॉल बाय साइन 18250 के टारगेट के साथ। और इसे अगर ब्रेक करती है इस पूरे जोन को और सस्टेन करती है तो आप पुट बाय करेंगे, 18000 आपका टारगेट होगा। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सी ड्राइंग बन गई है, बट फ्लैट क्योंकि दो जोन के बीच में तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा ट्रेड। तीसरा और लास्ट पॉसिबल केस है जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है बट स्टिल ठीक है, गैप डाउन का केस। गैप डाउन में क्या है, अगेन 150 से 178 का जोन आ रहा है, जिसे दो तीन दिनों से काफ़ी अच्छा टेस्ट आउट कर रही है, चांसेस बहुत कम है गैप डाउन के, स्टिल देख लेते हैं। लेट से इसके बीच में ऊपर नीचे कहीं भी क्लोज देती है, ओपन होती है और क्लोज नीचे दे देती है, एक कैंडल सस्टेन करती है, इट्स अ पुट बाय टाइम, आप पुट बाय करोगे, 18000 आपका टारगेट होगा। और अगर क्लोजिंग ऊपर देती है, एक कैंडल सस्टेन करती है, इट्स अ कॉल बाय टाइम, आप कॉल बाय करोगे, 18250 पहला और 18375 से 400 आपका दूसरा टारगेट होगा। ठीक है, तो ये था कि निफ्टी अगर गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट ओपन हो, तो हम कैसे लॉजिकली उसे मंडे को डील कर पाए। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं अपनी सेकेंड इंडेक्सेस की तरफ जो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लेवल है 43500 से 522 का जोन, 43000 रेसिस्टेंस है, 44000 और 44151 से 250 का जोन। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं 45 के ऊपर रह सकते हैं, पुट सेलर है तो 42500 के नीचे रह सकते हैं, और ऑप्शन बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे आपकी स्क्रीन पे। एक बार ज़्यादा बेटर तरीके समझ में आ पाए मैं आपको चार्ट में विजुलाइज करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये निफ्टी का चार्ट, सॉरी बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैक्सिमम चांसेस गैप अप की है तो उसी से स्टार्ट करते हैं। गैप अप के केस में सिंपल सा है, एक बहुत ही क्रूशल लेवल के नीचे बंद हुई है 44000 के, क्लोजिंग 43960 समथिंग आई है, तो 44000 का इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर नीचे या बराबर कहीं भी खुले बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, मतलब दो कंजिक्यूटिव कैंडल 44 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, इट्स अ कॉल बाय साइन, आप कॉल बाय करेंगे, 44151 से 250 का पहला और 44500 आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा। और क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, इट्स अ पुट बाय टाइम, आप पुट बाय करोगे, टारगेट आपके क्या होंगे, टारगेट 44 आपके नीचे क्योंकि बंद हुई है, तो 43700 से 750 का जोन पहला और 43500 से 522 का जोन आपका दूसरा टारगेट होगा। कौन से पुट कॉल पुट बाय करना है, जस्ट आउट द मनी वाली। स्टॉप लॉसेस क्या होंगे वो देख लेते हैं एक बार। तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में क्योंकि हम एक लेवल के साथ डील कर रहे हैं, इसके 100 पॉइंट नीचे होगा, यानी हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इस केस में हो जाएगा 43900, और पुट के केस में
44,000 प्लस 100, तो 44,100 ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा प्रीमियम के टर्म में, क्योंकि 100 पॉइंट्स का हम गैप ले रहे हैं, 0.4 डेल्टा है, तो 40 पॉइंट्स नीचे आप अपना स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हो। तो ये था कि अगर मार्केट गैप अप हो बैंक निफ्टी तो उसे कैसे डील करना है। अब चलते हैं अपने सेकेंड केस की तरफ, जो है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो तो उसे कैसे डील करें। फ्लैट के केस में बैंक निफ्टी जो ओपन होगी वो 43,900 समथिंग 60 के नीचे होगी, 60 के अराउंड होगी, यानी 44,000 के जस्ट नीचे ओपन होगी। बस तो बड़े क्रूशियल लेवल के नीचे ओपन हो रही है, तो देखना पड़ेगा अगर ओपन होने के बाद इसे ऊपर क्लोज देती है, सस्टेन करती है, इट्स अ कॉल बाय टाइम। 44,151 से 250 आपका टारगेट होगा, और इसे क्रॉस नहीं कर पाती है, अगेन प्रॉफिट बुकिंग वी कैन विटनेस, 700 से 750 का जोन आपका टारगेट होगा। अगर खुलने के बाद डायरेक्ट नीचे आती है तो 700 से 750 का जोन आ रहा है, यहाँ पे कोई बाइंग सिग्नल दे तो आप कॉल बाय करोगे इस उम्मीद में कि 44,000 दोबारा रिटेस्ट करने जा सकती है। तो ये था कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो तो उसे कैसे आप लॉजिकली अप्रोच कर पाए। लास्ट है कि बैंक निफ्टी गैप डाउन भी हो सकती है, गैप डाउन के केस में क्या करना है। गैप डाउन के केस में 700 से 750 का ये जोन आ रहा है, इसके नीचे ऊपर या बराबर कहीं भी ओपन हो, क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाएगा, इट्स अ पुट बाय टाइम, 500 से 522 का जोन आपका टारगेट होगा। और अगर क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ कॉल बाय टाइम, आप कॉल बाय करोगे, 44,000 आपका दूसरा टारगेट होगा, सॉरी पहला टारगेट होगा, और दूसरा होगा 44,151 से 250 का जोन। तो ये था कि इंडेक्सेस अगर गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट हो, तो मंडे आप कैसे उसे लॉजिकली डील करें। अपनी थर्ड इंडेक्स की तरफ चलते हैं, जो है फाइनेंशियल निफ्टी। फाइनेंशियल निफ्टी में भी एक शानदार रिकवरी आई है, अगर आप फ्राइडे की बात करोगे फ्रॉम 13 AM में, आप देख सकते हो इसमें भी हैमर काइंड ऑफ कैंडल ही बन के गई है। सपोर्ट आ रहा है 19,400 से 19,400 फर्स्ट, और 19,300 से 317 का जोन। रेसिस्टेंस 19,500 है, और 19,600 से 650 का जोन है। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, 19,800 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 19,000 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ये लेवल्स आपके सामने रहे, आप इनकी हेल्प से मंडे को फाइनेंशियल निफ्टी में लॉजिकली ट्रेड कर सकते हो। तो ये हमारा मंडे की मार्केट का डिस्कशन था। मैं उम्मीद करता हूँ डिस्कशन मंडे आपको लॉजिकली ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। बाकी एक एडवाइस ये रहेगी, ट्रेडिंग आप करते हो, हार्ड एंड मनी लगाते हो अपनी, तो लॉजिक के साथ ट्रेड कीजिए, विदाउट लॉजिक ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं बनता, वो फिर तुक्केबाजी है, अपनी हार्ड एंड मनी बर्न कर लोगे। तो एंड करते हैं इस वीडियो को, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए मंडे हेल्पफुल हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चलता रहे, आपको सीख सको और मोटिवेट हो सको लॉजिकल ट्रेडिंग करने तरफ। तो एंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।